Fresh News 허벌 비 아사 비 नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनू। दुल्हा दुल्हन के साथ लौट रही हसीन बारात की ये एक दर्दनाक दास्तान है, जिसमें दुल्हा दुल्हन के साथ सारे बाराती पत्थरों में तब्दील हो गए। शाप की अवहेलना का ऐसा सिला मिला कि सारे इंसानी जिस्म चट्टानी हो गए और छोड़ गए एक स्टोन कर्स की ऐसी कहानी कि जो अभी भी पहेली है। ये सिहरती दास्तान है स्टोन कर्स्ड दूल्हे की। ये कहानी है इंसानी शक्ल वाले चट्टानी इंसानों की। ये हकीकत है शापित पत्थरों की, देवी का शाप। सूरज की पहली किरण लाई अंधकार। दूल्हा दुल्हन समेत बाराती बने पत्थर। रात को विदा नहीं होती हैं बेटियां, उजाले से लगता है डर। सूरज की किरण में मत निकलना, वरना पत्थर बन जाएगी बारात। हर तरह से जुदा इस स्पेशल पेशकश में आज हम आपको उन इंसानी जिस्मों से मिलवाएंगे जो पत्थर के हैं। दूल्हा दुल्हन के साथ कई बाराती न जाने कब से एक ही जगह पड़े हैं। पत्थर की शक्ल के ढोल नगाड़ों से असल आवाज निकलती है और सुनने भर से दौड़ जाती है शरीर में सिहरन। ये एक ऐसे गांव की कहानी है जहां आज भी वही चलता है जो सदियों पहले कहानी में कहा गया है। जी हां, सबसे पहले तो आपको उस कहानी के बारे में बताते हैं। करीब 180 साल पहले राजा रानी के उस जमाने में शादियां आज की तरह नहीं होती थी। चट मगनी और पट ब्याह वाली कोई बात थी ही नहीं। शादी की तारीख कई महीने पहले ही निकाली जाती थी। दूल्हा बाबू अपने रिश्तेदारों और शादी में शामिल होने वाले बारातियों के साथ दुल्हन के घर जाने के मनोरंजक सफर पर कई दिनों पहले ही निकल पड़ते थे। धुआं गाड़ी और चील गाड़ी की कल्पना चल रही थी, लिहाजा शादी के लिए लोगों को कई दिनों का सफर तय करना पड़ता था। रास्ते में कभी जंगल आते तो कभी पहाड़, कहीं बड़ा नाला होता तो कहीं सामने होती खाई। लेकिन सारी मुश्किलों को पार करते हुए दूल्हा के साथ बाराती और उसके रिश्तेदार दुल्हन के घर पहुंचते थे, भरपूर आनंद उठाते हुए। कई दिनों तक शादी समारोह चलता था और आखिरी में आती थी चल रे डोली उठाओ कहारों की बात। कहार पिया मिलन की रुत आई। जी हाँ, दूल्हा और दुल्हन के साथ सारे बाराती विदा लेते थे और फिर शुरू होता था सफर। ज्यादातर ये सफर सुकून, शांत और मनोरंजन करते हुए कट जाते थे। लेकिन कभी किसी सफर में बाघ का हमला हो गया, कभी जंगली हाथियों ने कई बारातियों को कुचल दिया, तो कभी रास्ते में अज्ञात बीमारी की चपेट में आकर दूल्हा दुल्हन समेत सारे बाराती लौट नहीं पाए। धनबाद से 25 किलोमीटर दूर एक गांव में यही हुआ था। जी हाँ, बारात पहुंची, कई दिनों तक शादी समारोह चला और शादी होने के बाद जब दूल्हा दुल्हन बाराती और गाजे बाजे वाले लोग लौट रहे थे तो रास्ते में कुछ ऐसा हो गया कि सारे के सारे बन गए पत्थर। शक्ल इंसानी और जिस्म चट्टानी। जी हाँ, बाराती पर न तो हमला हुआ और न ही किसी अज्ञात बीमारी का कहर बरपा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सारे इंसान और सारे सामान बन गए पत्थर।
कशिश के लिए धनबाद से दिलीप। आखिर क्या हुआ था धनबाद के आलो पाथर गांव में? क्यों दूल्हा दुल्हन समेत सारे बाराती पत्थरों में तब्दील हो गए? कौन सा कहर बरपा था उन पर? जी हां, इन तमाम सवालों का जवाब एक ही है। कहानी चलती आ रही है कि दूल्हे को श्राप था, एक देवी का ऐसा श्राप जिसकी अनदेखी की जाती तो सारे पत्थरों में बदल जाते, और ऐसा ही हुआ। सूरज की किरण का श्राप। देवी का स्टोन कर्स। इलाके में न केवल कहानियां कही जाती हैं, बल्कि आज भी उस स्टोन कर्स का खौफ इतना है कि लोग देवी के उस शाप की अनदेखी नहीं करते। सुबह होने से पहले लौटनी चाहिए बारात। पहली किरण पर चट्टानी पड़ाओ। जी हां, देवी का शाप था उस दूल्हे को। किसी गलती की वजह से देवी ने उसे शाप दिया था, जिसमें कहा गया था कि अगर वो शादी की रात ही दुल्हन के साथ लौट नहीं सका तो न केवल दोनों बल्कि सारे बाराती भी पत्थर में तब्दील हो जाएंगे। देवी की बातों की हुई अनदेखी। सूरज की पहली किरण के साथ स्टोन कर्स। कहानियां सुनाई जाती हैं कि देवी के श्राप की खबर हर किसी को थी। दूल्हे को समझाया गया कि वो सुबह के 4 बजे दुल्हन को विदा कराकर न ले जाए, लेकिन सारी बातों को दरकिनार करते हुए दूल्हे और बाराती अपनी जिद पर अड़े रहे। थक हार कर न चाहते हुए भी लड़की के घर वालों ने बेटी को विदा किया। बारात सुबह के 4 बजे विदा हुई। कुछ दूर चलने के बाद दूल्हे ने बारात रुकवाई। दूल्हे को देवी के शाप पर जरा भी एतबार नहीं था, लिहाजा उसने आदेश दिए कि आज दिन भर यहीं आराम किया जाएगा। पौ फटने वाली थी। शुरू शुरू में तो बारातियों ने हौसला दिखाया था, लेकिन जैसे जैसे घड़ी करीब आती जा रही थी बाराती घबरा रहे थे। ढोल गाजे बाजे वाले हर किसी के जहन में देवी का शाप कौंध रहा था, और तभी पहली किरण इलाके में पड़ी। पूरब की ओर से सबसे आगे थे गाजे बाजे वाले, उनके पीछे बाराती, फिर दूल्हा दुल्हन और आखिर में उनके चाकर। लिहाजा सूरज की पहली किरण सबसे पहले गाजे बाजे वालों पर पड़ी, और पलक झपकते ही ढोल नगाड़ों के साथ हर कोई चट्टान का बन चुका था। उनके पीछे बाराती जब तक कुछ समझ पाते, सूरज की उजली किरण उन तक भी पहुंच चुकी थी, और फिर सेकंड से भी कम वक्त में पूरा काफिला हो गया पत्थर में तब्दील। कशिश के लिए धनबाद के बलियापुर से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। सिर्फ कहने भर से कैसे मान लिया जाए कि ये सारे पत्थर वही हैं जिन पर श्राप का कहर बरपा है? तो यकीन मानिए, आगे जब आप पत्थरों की आवाज सुनेंगे तो आपके पास न मानने का चारा नहीं बचेगा। पत्थरों से निकलेगी नगाड़ों की आवाज, लेकिन कुछ समय बाद। ये सिहरती दास्तान है स्टोन कर्स्ड दूल्हे की। ये कहानी है इंसानी शक्ल वाले चट्टानी इंसानों की। ये हकीकत है शापित पत्थरों की, देवी का शाप। सूरज की पहली किरण लाई अंधकार। दूल्हा दुल्हन समेत बाराती बने पत्थर। रात को विदा नहीं होती हैं बेटियां। उजाले से लगता है डर।
सूरज की किरण में मत निकलना, वरना पत्थर बन जाएगी बारात। एक्सक्यूज मी सर। ये मेरा इस्तीफा। क्यों सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है। रॉकेट साइंस सीखना है। मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर। सर मेरा कोई मजाक है क्या? एक से एक घटिया रीजन देके रिजाइन कर रहा? आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन। भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। मोहित मेरा इस्तीफा। क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है? सॉरी यार। काम कीजिए आप लोग। एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता। क्या तकलीफ है? घुटनों का दर्द है। और आपको? कमर और जोड़ों का दर्द है। यस जेंटलमैन। पीठ दर्द और मांसपेशियों में खिंचाव। आप सबको डॉक्टर की नहीं, डॉक्टर डे जेल की जरूरत। कमर एवं जोड़ों के दर्द के लिए आपको डॉक्टर की नहीं, डॉक्टर डे जेल की जरूरत है। शून्य हो या संसार का पहला गणतंत्र, बुद्ध का ज्ञान हो या महावीर का मंत्र, पहले सम्राट से पहले राष्ट्रपति तक बिहार ने इतिहास में बहुत कुछ जोड़ा। आइए देखने इसका आतिथ्य भी थोड़ा। जानिए बढ़ता बिहार कैसा दिखता है, क्यों पूर्वी भारत हमें अपना ताजमहल कहता है। संबोधि रिट्रीट, वास्तु बिहार की अनुपम कृति। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल्विन। देवी का शाप लग चुका था। सूरज की पहली किरण के साथ ही इंसानी जिस्म चट्टानी हो गए थे। सालों बीत चुके हैं इस बात को, लेकिन आज भी इनकी कहानियां भूले नहीं भूलती। गांव का हर कोई इस कहानी को बखूबी जानता है और इसे अनदेखा करने की भूल कर भी गलती नहीं करता। पत्थरों से आती है ढोल की आवाज, दूल्हा दुल्हन और चट्टानी जिस्म पर अलग आवाज। उपहार के चट्टानी तश्तरी में पत्थर के उपहार, झुंड वाले पत्थर हैं बाराती। ये दोनों दूल्हा दुल्हन, ये सारे बाराती और ये ढोल नगाड़ा, उपहारों की तश्तरियां, चाकर और गाजे बाजे वाले सारे के सारे पत्थर के। जी हाँ, दूल्हा दुल्हन वाली जगह को आलो पाथर, बारातियों की जगह को झांझर पाथर, और जहाँ ढोल वाले हैं उन्हें ढोल द्वार कहा जाता है। पत्थर बनते गए जितना बाराती ठहर गया था, सूरज निकलने के पहले लोग रातें भर जाना चाहिए था, इसी कारण सूरज निकल गया तो ये लोग यहीं पर ठहर गया। सदियों से कहानियां चली आ रही हैं और लोग पूरे विश्वास के साथ उस रीत को निभाते चले आ रहे हैं जो पुरखों से चली आ रही है। सब है, बरात है, घर है, ढोलक भी है, इसके दूसरा जगह और है। रुकना मना है, पूरा गांव इस बात से इत्तेफाक रखता है और बारातियों को रात में ही विदा कर दिया जाता है ताकि सूरज निकलने से पहले सारे घर पहुंच जाएं, सकुशल रहे उनकी बेटी दामाद और सुरक्षित रहे उनके रिश्तेदार। इसे महज एक कहानी समझने की भूल मत कीजिए, क्योंकि पत्थरों में ऐसे सबूत हैं जो चीख चीख कर अपनी दास्तान खुद बयां कर रहे हैं। यकीन तो नहीं हो रहा होगा, हमें भी नहीं हुआ था, लेकिन जब हमने जाकर वहां पत्थरों की पड़ताल की तो न केवल कहानी में दम लगा बल्कि गांव वालों की बातों पर एतबार करना हमारी मजबूरी से बन गई। इस खबर की तहकीकात करने हम धनबाद के बलियापुर के उस गांव में पहुंच गए हैं जहां से ये खबर शुरू हुई है और इसी गांव में आकर ये खबर खत्म होती है।
ये धनबाद के बलियापुर प्रखंड का गुल्लूडी गांव है और इस गांव में हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कई पत्थर है, लेकिन इस पत्थर को ढोल द्वार कहा जाता है। और ढोल द्वार क्यों कहा जाता है इसके पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। ऐसी मान्यता है यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे शादी समारोह होते हैं वो दिन में होते हैं, अगर रात होती है तो वो शादी समारोह के बाद ऐसे ही पत्थर बन जाते हैं। और यहाँ पे जो पत्थर है, कई पत्थर है, लेकिन यहाँ पे कुछ पत्थर ऐसे भी हैं जिसमें ढोल की आवाज आती है। और ढोल की आवाज क्यों आती है इसकी भी वजह बताएंगे आपको। आवाज सुनिए, अच्छी तरह से ध्यान लगाकर सुनिए। ये लड़का किसी ढोल पर पत्थर या डंडे से वार नहीं कर रहा, बल्कि ये एक चट्टान है। लेकिन आवाज पत्थरों की नहीं बल्कि ढोल और थाप की निकल रही है। मत चौंकिए, क्योंकि कहानियों के मुताबिक ये पत्थर नहीं बल्कि नगाड़ा है और आवाज उसी नगाड़े की निकल रही है। यह आदिवासियों का ऐसा रात भर ऐसे रुकना नहीं चाहिए था, सूरज निकलने के पहले बरात यहाँ रुक गया, इसी कारण सब पत्थर बन गया। ढोल भी है, देखिए कुर्सी भी है, टोकरी भी है, टोटल सब है, बरात है, घर है। शायद इसे देखने के बाद आप जरूर सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ तो कई सारे पत्थर हैं, ऐसे में केवल ढोल नगाड़े वाले आकार के पत्थरों पर ही ऐसी आवाजें क्यों निकलती हैं? इसका जवाब है गांव वालों के पास। जब जा रहा था शादी उदी करके, बरात वाला दूल्हा दुल्हन इसके आगे था, इसे पीछे से बरात जा रहा था, इसमें माझी आदिवासी का जैसे डाला चलता है, ढोले वो बजना चलता है, पीछे बरात चलता है, सब एक ही साथ चल रहा था। ऐसा जब सुबह हुआ तो ये शिला बन गया, कहे जब इसका कहना था कि रातों रात पार हो जाएगा, जितना दूर जाएगा उतने दूर आदमी जाएगा, यदि ये सब रातों रात पार हो जाता तो आदमी बनता। दूल्हा दुल्हन कुछ दूर पहले जा रहा था, वो सब आगे जाके सुबह हुआ शिला बन गया। अब तो इस गांव में ऐसा कोई नहीं बचा जिसने इंसानी जिस्म पर देवी के इस कहर को खुद अपनी आंखों से देखा हो, लेकिन उनके रिश्तेदार आज भी उस कहानी को याद कर सिहर उठते हैं और ऐसी कोई हिमाकत नहीं करते जिससे उनका हाल भी कुछ ऐसा हो जाए। कशिश के लिए धनबाद के बलियापुर से दिलीप कुमार। सब कहते हैं ऐसा होता है, क्या युवा वर्ग भी इससे सहमत है और विदाई का यह सिस्टम आज भी बरकरार है, जानने की करेंगे कोशिश लेकिन ब्रेक के बाद। ये सिहरती दास्तान है स्टोन कर्स्ट दूल्हे की, ये कहानी है इंसानी शक्ल वाले चट्टानी इंसानों की, ये हकीकत है शापित पत्थरों की, देवी का शाप, सूरज की पहली किरण लाई अंधकार, दूल्हा दुल्हन समेत बाराती बने पत्थर, रात को विदा नहीं होती हैं बेटियां, उजाले से लगता है डर, सूरज की किरण में मत निकलना वरना पत्थर बन जाएगी बारात। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में लगातार तीसरा साल पढ़ाओ और पैसा वापस लो, ल्यूसेंट इंटरनेशनल स्कूल देहरादून, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली अप टू 10+2, इको एड एजुकेशनल रेसिडेंशियल इंग्लिश मीडियम स्कूल विथ हाईटेक बोर्डिंग फैसिलिटीज लेकर आ रहे हैं एक अनोखी योजना, फ्री एजुकेशन, फ्री स्टे,
फ्री फूड भारत में पहली बार अभिभावकों के लिए एक अत्यंत लाभकारी योजना। 6 लाख एक बार या 7 लाख 3 किस्तों में रुपए जमा करें, 10वीं पास के बाद वापस लें। सीजन 2014 और 15 के लिए यह योजना पूरी तरह से कानूनी आधार पर नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर होगा। इसके अंतर्गत विद्यालय प्रशासन अपने हर कमिटमेंट को पूरा करने के लिए बाध्य होगा। छात्राओं के नामांकन पर जमा राशि पर ब्याज देने का प्रावधान। एडमिशन टेस्ट 29/12/2013 दिन रविवार। लास्ट डेट फॉर फॉर्म सबमिशन 29/12/2013 दिन के 12:30 बजे तक। हेल्पलाइन नंबर 9334111917 और 0612305417178। प्रभु की आराधना हम कर रहे हैं सदियों से, उपासना का है अपना अपना तरीका, कलयुग में भक्ति पाने की अपनी अपनी राहें, आस्था श्रद्धा और सबूरी का अनोखा संगम। जयकारा रोज सुबह 6:30 बजे सिर्फ कशिश पर। ये सिहरती दास्तान है स्टोन कर्स्ट दूल्हे की। ये कहानी है इंसानी शक्ल वाले चट्टानी इंसानों की। ये हकीकत है शापित पत्थरों की, देवी का शाप। सूरज की पहली किरण लाई अंधकार। दूल्हा दुल्हन समेत बाराती बने पत्थर। रात को विदा नहीं होती हैं बेटियां, उजाले से लगता है डर। सूरज की किरण में मत निकलना वरना पत्थर बन जाएगी बारात। इस युग में ऐसी बातें बेमानी सी लगती हैं, लेकिन जो परंपरा आलू पाथर गांव में चली आ रही है वो बदस्तूर जारी है। आज का युवा वर्ग भी देवी के उस स्टोन कर्स को याद कर सिहर उठता है और परंपरा से नाता नहीं तोड़ता। भले ही सदियां बीत गई हो, लेकिन खौफ का आलम इस इलाके में इतना है कि लोग सदियों से इस प्रथा को ढोते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस इलाके के लोगों में जागरूकता नहीं है, बल्कि गांव के कई लड़के बाहर में उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उन्हें भी ये रीत मंजूर है। दादा दादी और पापा के बोलने पर कुछ राजा रानी थे, उनको कुछ श्राप दिया गया था सुबह होने से पहले वो लोग विजय घर पहुंच जाएं बरात लेकर, मगर ऐसा हो नहीं पाया। वो लोग सुबह पहुंच नहीं पाए, इसलिए वो लोग उनके राजा रानी रानी के बहन लोग यहाँ पर पत्थर और कुछ बराती लोग भी पत्थर बन गए। इससे कुछ दूर और भी है जहाँ पर और बरात लोग हैं, जहाँ पर वो लोग पत्थर उत्थर बन के उसी रह गए, जिसमें कोई मिठाई लेकर टोकी जो था टन। इसे अंधविश्वास कहें या फिर कोई टोटका, लेकिन इलाके में ऐसा कोई नहीं है जो इस प्रथा के खिलाफ जाना चाहता हो। तो आप बाहर में पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो कितना सहमत है इस जो मनगढ़ंत कहानी चल रही है? अब ये इस युग में तो कोई मनगढ़ंत कहानी का मान्य रखता नहीं है। अब जो रीति रिवाज है उसी को सब कोई गाँव वाला फॉलो कर रहे हैं। आज भी रात में बारात नहीं ठहरती है। रहस्य बरकरार है, पत्थरों के इन टीलों की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर अब तक जो जवाब है वो आपके सामने है। अपने चरित्र से बिल्कुल विपरीत व्यवहार करने वाले पत्थरों का कमाल भी आपने देख लिया, लेकिन इस मामले पर साइंस क्या कहता है इस बात की कोशिश नहीं की गई। जी हाँ, इन कर्स्ड स्टोन्स पर अब तक किसी ने शोध शुरू नहीं किया। ऐसे में इंसान बने पत्थरों की हकीकत समझने का एक ही स्रोत इलाके के लोगों के पास है और वो है दादा दादी की कहानियाँ। कशिश के लिए धनबाद के बलियापुर से दिलीप कुमार। आज इन सब बातों का कोई भरोसा नहीं करता और हम पूरी उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि अगर दिन के उजाले में भी विदाई होगी तो कोई पत्थरों में तब्दील नहीं होगा। तमाम दिक्कतों का सामना करते हुए आज भी गांव में यह रीत निभाई जाती है। प्रशासन और सामाजिक संगठन अगर चाहे तो गांव वालों को भरोसे में लेकर कुछ शादियों के बाद विदाई दिन के उजाले में करा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है
और सदियों से चली आ रही उस मनहूस कहानी को लोग सच मानकर आज भी उसी डर के साथ बेटियों को विदा कर रहे हैं। कब थमेगा ये सिलसिला, कब सामने आएगी पूरी सच्चाई? चाहे जो भी हो, समाज का एक अंग धनबाद से 25 किलोमीटर की दूरी पर इस दहशत के साथ जी रहा है कि उनकी बेटी की विदाई अगर दिन के उजाले में हुई तो सारे के सारे पत्थर बन जाएंगे। ऐसे में हड़बड़ाहट में कई बार गड़बड़ी हो जाती है। समय कम होने की वजह से रातों रात सारे बाराती भाग खड़े होते हैं, कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जरूरत है ऐसे मामलों पर ध्यान देने की और पूरी हकीकत खंगालने की, ताकि गांव के लोगों के दिल से स्टोन कर्स का भ्रम दूर हो और बारातियों में खौफ नहीं हो। कशिश के लिए धनबाद के बलियापुर से दिलीप कुमार। स्टोन कर्स की ये पहली आज भी पहली बनी हुई है। न चाहते हुए भी लोगों को विश्वास करना पड़ता है, उन्हें समझाने वाला कोई नहीं है कि ऐसा नहीं होता। हम तक भी ये बातें पहुंची और हमने इसे आप तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इन सारी बातों का मतलब बस एक ही है, वो ये है कि आधुनिकता और विकास के इस दौर में धनबाद का वो गांव कब तक पीछे रहेगा? ढूंढना होगा जवाब हमें, आपको और सरकार को। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जयराम रमेश और सुखदेव भगत सोमवार को पहुंचेंगे रांची। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर होगी बैठक, कामकाज की भी होगी समीक्षा। बेगूसराय में नीतीश कुमार की सभा में हंगामा, बैठने को लेकर एक दूसरे पर चली कुर्सियां। कांग्रेस, आरजेडी और एलजेपी के गठबंधन के कयासों ने नीतीश के विरोधियों को दिया मौका, बीजेपी नेता गिरिराज ने नीतीश पर ली चुटकी। रांची के सिटियों गांव को बीजेपी नेताओं का न्योता, 29 दिसंबर को है नरेंद्र मोदी की विजय संकल्प रैली। हजारीबाग का 189 साल का सपना हुआ पूरा, कोडरमा हजारीबाग के बीच ट्रेन का ट्रायल रन सफल। पटना के रैन बसेरों की हालत जर्जर, ठंड में ठिठुरने से लोगों का जीना मुहाल, शहर के मेयर ने बुरखों पर फोड़ा ठीकरा। रांची में दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन शुरू, सुबह में मिथिला वासियों के अधिकार के लिए उठी आवाजें। और रोमांच के बाद ड्रॉ पर खत्म हुआ जोहान्सबर्ग टेस्ट, विशाल स्कोर बनाने के बाद भी हारते हारते बची टीम इंडिया, इतिहास रचने से चूकी अफ्रीकन टीम। नमस्कार, कशिश देख रहे हैं आप और खबरें अभी तक के साथ मैं हूं अनुपमा। हजारीबाग वासियों का 189 साल पुराना सपना आज पूरा हो गया, यानी हजारीबाग रेल रूट से जुड़ गया। कोडरमा से चलकर हजारीबाग स्टेशन तक ट्रेन पहुंची। 80 किलोमीटर के सफर में ट्रायल रन की सफलता के बाद अंतिम रूप से रेल सेवा शुरू हो जाएगी। 189 साल बाद आखिरकार हजारीबाग रेल रूट से जुड़ा तो जश्न की लहर दौड़ गई। रविवार को कोडरमा से ट्रायल इंजन रवाना हुआ और 80 किलोमीटर का सफर तय कर जब इंजन हजारीबाग पहुंचा तो उम्मीदों की कई बोगियां भी जुड़ गई। अब हिंदुस्तान के रेल मानचित्र पर हजारीबाग भी शुमार हो गया है। हजारीबाग में रेलवे लाइन कुछ नहीं है, हजारीबाग तक आगे भी जाएगी और आज पहली बार इंजन का ट्रायल रन यहाँ पर हो रहा है, इसलिए आप देख रहे हैं